देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे, लेकिन एंट्री उन्हीं छात्र छात्राओं को मिलेगी जिन्होंने कोरोना रोधी टीका लगवाया होगा। उन छात्रों को स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलेगा जिन्होंने अब तक कोरोना की एक भी डोज नहीं ली है। वहीं कोरोना से बचाव की कड़ी में सभी स्कूल स्टाफ के लिए कोरोना का टीका लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। गौरतलब है कि उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैसला किया है कि दिल्ली में उच्च शिक्षा के संस्थान SOP के अधीन खुलेंगे और कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करेंगे। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं के स्कूल फरवरी 7 से फिर से चरणबद्ध तरीके से खुलने शुरू हो जाएंगे। जिन शिक्षकों का टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।